अभी बाप बेटे की लड़ाई है ना, धर्म युद्ध है। राजनीति में जो व्यक्ति जनता की सेवा करेगा वही कर्म है। मुख्यमंत्री रहते भर में एक ईटा नहीं लगाया जिला में। मैंने कहा कि मेरे विरुद्ध जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी गांधी मंडप में बुलाओ, मुझे बुलाओ, डिबेट कराओ कि उन्होंने 33 साल की उम्र से 85 साल की उम्र तक गया के लिए क्या किया। बिहार में पहले चरण का चुनाव होने वाला है। आपको बता दें कि इन चार सीटों के बीच गया का जो सीट है वो VIP सीट है, हॉट सीट इस वक्त बना हुआ है, जहां से NDA की तरफ से जीतन राम मांझी हैं, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से सर्वजीत कुमार चुनावी मैदान में हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर्वजीत जी हैं। सर, क्या माहौल है इस बार चुनाव में? जनता खुशहाल है, पहली बार उनको कोई उम्मीदवार मिला है, सभी जाति धर्म के लोग जो हैं तैयार हैं। इस बार परिवर्तन की लहर होगी। 25 साल हो गया से ऐसे सांसद बनते हुए जो एक अपने से चिट्ठी नहीं लिख सकता। मैंने कहा कि भाजपा के भाइयों को 25 वर्ष का लेखा जोखा देना पड़ेगा कि आपके सांसद ने गया जिला के लिए क्या किया। मैंने कहा कि मेरे विरुद्ध जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी गांधी मंडप में बुलाओ, मुझे बुलाओ, डिबेट कराओ कि उन्होंने 33 साल की उम्र से 85 साल की उम्र तक गया के लिए क्या किया। मुख्यमंत्री रहते भर में एक ईटा नहीं लगाया जिला में। हम 17 महीना मंत्री रहे, 350 करोड़ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया मिलेट्स का, 150 करोड़ का हमने सॉइल कंजर्वेशन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया, क्या क्या नहीं किया हमने, तो डिबेट करने को तैयार नहीं। जीतन राम मांझी एक सीनियर नेता हैं, अनुभव है, कर्म से की गिनती से नहीं, सीनियर है, अनुभव कर्म से की सीनियर अनुभव से आप बताएंगे। राजनीति में जो व्यक्ति जनता की सेवा करेगा वही कर्म है, उससे बड़े हैं कि नहीं सवाल होना चाहिए। अगर 25 बार आप MLA बने हैं और कोई काम के नहीं है, हर 5 साल में अपनी कंस्टिट्यूएंसी बदल लेते हैं, ये जनता का सेवक नहीं हो सकता है। जीतन राम मांझी कितना चुनौती देंगे सर्वजीत कुमार को? चुनौती तो हमारी जनता को देंगे ना। वो जनता सवाल कर रही है कि आपने अभी तक इस जिले के लिए कोई एक ऐसा काम बता दो जो किया हो। जनता सवाल कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ। बिहार के युवा सवाल कर रहे हैं कि आप इतने दिन काम कर रहे हो राजनीति में, कभी नौजवानों की नौकरी की बात किया कि नहीं? वही हालात है, मुसहर जाति हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सबकी वही हालात। लेकिन ये जो है नीतीश कुमार के भी हाई लेवल पे है, कखनी करवट मारेंगे, किसकी ओर चले जाएंगे कोई पता नहीं। बस ये देखते हैं कि हम कहाँ जाएंगे जो मेरा परिवार का लोग सब MLA बन जाए। इस बार जनता तय करेगी। पिछले 2 बार से या 3 बार से कह लें कि मांझी बिरादरी का इस सीट पर कब्जा है। सवाल बिरादरी का नहीं है ना, क्यों आप लोग ये सवाल करते हैं? क्योंकि मतदाता उनके ज़्यादा हैं, उनके वोटर्स। किसने कह दिया आपको कि ज़्यादा हैं? सवाल ये है कि आप मांझी रह कर के उनके लिए किया कि नहीं किया, ये ना प्रश्न है। जनता ये सवाल पूछ रही है कि लगातार यहाँ से भाजपा JDU के सांसद रहे और सरकार आपकी 10 साल रही, गया के लिए आप लोगों ने किया क्या? इस सवाल पे डिस्कशन करिए। जनता बेवकूफ नहीं है, सब समझती है। इस सवाल पे जो है जवाब देना पड़ेगा जनप्रतिनिधि। चुनावी मुद्दे क्या हैं गया के, किस मुद्दे पर आप चुनावी मैदान में? नौजवानों को नौकरी। देखा नहीं तेजस्वी जी ने क्या कहा कि 17 महीने में अगर हम 5 लाख दे सकते हैं तो अगर सरकार हमारी आती है, हमारे अधिक से अधिक सांसद जीतते हैं, तो 1 साल में 1 करोड़ नौकरी। तो और क्या चाहिए नौजवानों को? नौकरी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 2 करोड़ नौकरी देने का वादा। 10 साल में नहीं दिया? 10 साल में दिया नहीं दिया? ये क्यों नहीं बताया मंच से कि 10 साल में मैंने इतनी नौकरियां दी, आने वाला समय में हम इतना और देंगे, ये बताना पड़ेगा ना। जब इलेक्शन होगा तो बोला कितना दे दूं बिहार को, बोलिए बोलिए कितना दे दूं, देते तो कुछ नहीं अभी तक। ये सब नहीं चलेगा, जनता सब समझती है। अगर चुन के आप आते हैं तो गया के लिए और क्या सोच के रखा है? एम्स, कनेक्टिविटी, गया शहर को जाम से निजात दिलाना, अच्छा एजुकेशन के लिए कॉलेज बनाना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लड़ाई भी मैंने लड़ी थी और बना कर आया ही। नीतीश कुमार ने कहा था कि हमारे लास्ट पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी, बना कि नहीं बना? किसानों की बात होगी, आप समझ लीजिए कि 17 महीने हमको मौका मिला किसान को पढ़ने के लिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 350 करोड़ का हमने दिया,
ये गया के लिए कम ऐतिहासिक चीज़ है क्या? मिलेट्स की खेती सीखेंगे बिहार के किसान, गया के किसान, आमदनी दोगुनी होगी। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, काम पे भरोसा रखते हैं, हम सीट बदलने वाले नहीं हैं। कभी बोध गया, कभी बारह छट्टी, कभी इमामगंज, हम एक जगह काम करते हैं, वहीं से लड़ते हैं। पिछली बार का अगर मार्जिन देखें हम, जो चुनाव परिणाम आए थे 1.5 लाख का अंतर रहा था जितना मांझी जब हारे थे, इस बार अभी कितना का अंतर रहेगा ये जनता को फैसला करने दीजिए, मेरा यही गुजारिश होगा। आपके पिताजी ने उनको पटखनी दी थी, क्या एक बार ये फिर अभी बाप बेटे की लड़ाई है ना, धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध में हमेशा से पिता की हार हुई है। पिता हमेशा दयालु होते हैं। माँ और बाप का निर्माण क्यों हुआ? जो बच्चे को जन्म देता है तो वो दयालु होगा, तो पिता दयालु है। और 19 तारीख को शाम में वो हमको जीत का माला अपने घर पे बुला के पहनाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो ये सरोजित पासवान थे जो लगातार जीतन मांझी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, और इनका दावा है कि पिता हैं, दयालु हैं, चुनावी मैदान में ये पटकनी दे देंगे। लेकिन अब देखना होगा कि जब 4 जून को परिणाम आएगा तो उस वक्त जीतन मांझी मैदान छोड़ते हैं या फिर सरोजित कुमार मैदान में बाजी मार जाते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।